हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एजेस से पार्ट थ्री करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 38 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समीर की आय अपने पिता की आय की एक चौथाई। देखो, जो समीर की आय है वो अपने फादर की एज की कितनी है, एक चौथाई, मतलब 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 कर दो। आगे दिया है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। देखो, किसकी एज, समीर की आयु जो है वो अपने पिता की आयु की तो 1/4 है, बट अपनी बहन की आयु की कितनी है, 2/3 है। इसका मतलब जो समीर की एज होगी और उसकी सिस्टर रीमा की एज होगी, इसका कितना है, 2/3 है, 2/3 कर दो। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। आगे क्या दिया है, समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो, यहाँ पे समीर की एज हमें यहाँ पे भी दी है और समीर की एज यहाँ पे भी दी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले समीर की एज कुछ मान सकता हूँ। ये समीर की है, ये रीमा की है और ये उसके फादर की है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 4 है इसका गुणा यहाँ होगा, यानी उसके फादर की एज कितनी होगी, समीर की एज इंटू 4। ठीक है, और इसका गुणा यहाँ कर दो और इसका गुणा यहाँ कर दो, तो रीमा की एज निकल आएगी, कितनी होगी, 3/2 इंटू समीर की एज। अब देखो, समीर की एज को मुझे कुछ मानना होगा। देखो, समीर की एज को मैं क्या मानूंगा, ऐसा नंबर मानूंगा जिससे कि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2/2 है तो मैं समीर की एज को क्या मान लूंगा, 2 मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो समीर की एज मैंने 2 मान ली, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। तो रीमा की एज कितनी आएगी, इससे ये कैंसिल, यानी रीमा की एज 3 आएगी, तो यहाँ पर 3 कर दो। ठीक है, और उसके फादर की कितनी होगी, देखो समीर की 2 मानी है तो यहाँ पर 2 रख दो, तो 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। तो इन तीनों का हमने अनुपात निकाल दिया, कितना है, 2:3:8। ठीक है, और यही हमें निकालना था। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। देखो, पुत्र के लिए मैं एस का यूज़ करूँगा यानी सन का यूज़ करूँगा। ठीक है, और पुत्री के लिए मैं डी का यूज़ करूँगा यानी डॉटर का यूज़ करूँगा। ठीक, इसमें क्या दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो, जो फादर की एज है वो पुत्र का, मतलब जो सन है, जो बेटा है, उसकी एज का कितना है, 4 गुना है। ठीक है, तो 4 गुना कर दो। आगे दिया है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी जो बेटी है, जो डॉटर है, उसकी आयु माता की आयु यानी मदर की एज की कितनी है, 1/3 है, तो 1/3 कर दो। ठीक है, 1/3 कर दिया। आगे क्या दिया है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो देखो, पत्नी मतलब क्या होगा, जो मदर है, जो मदर है उसकी आयु पति की आयु यानी जो फादर है इसकी आयु से कितनी है, 6 वर्ष कम है, तो हमने 6 वर्ष कम कर दिया। तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, बहन का मतलब जो डॉटर है वो अपने भाई का मतलब जो सन है उससे कितना है, उससे 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अधिक कर दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, तो माता की आयु कितनी होगी ये हमें निकालना है। अब देखो, मान लीजिए जो मदर की एज है वो एक्स है, मदर की एज हमने एक्स मानी है, तो मदर की एज कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मदर की एज यहाँ पे एक्स रख दो, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज यानी इसको इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे होगा x+6। ठीक, तो देखो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, मदर की एज हमने एक्स मानी है तो फादर की हमने निकाल दी कितना है, x+6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मदर की एज दी है तो यहाँ पे मैं एक्स रख सकता हूँ, तो डॉटर की कितनी हो जाएगी, डॉटर की हो जाएगी x/3। ठीक है, तो x/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे फादर की एज हमने निकाल दी, फादर की कितनी है, x+6 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये, x+6 और ये 4 है, इसको नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पे 4 होगा बराबर, ये किसकी निकल आई, ये सन की निकल आई। ठीक है, तो बेटे की हमने निकाल दी कितनी है, x+6/4, और यहाँ पे भी डॉटर की हमने निकाल दी कितनी है, x/3 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा ये, x/3 बराबर होगा s, और ये 3 है, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यानी सन की एज यहाँ से कितनी निकल रही है, x/3-3। ठीक है, अब देखो बेटे की एज ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को आपस में बराबर कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि x/3-3 बराबर क्या होगा, x+6/4। ठीक, तो इसका गुणा यहाँ कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, x-9/3 बराबर होगा x+6/4। 4 का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा, तो इसके साथ में गुणा होगा कितना होगा, 4x-9 = 36 बराबर होगा 3x+6 = 18। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो 4 में से 3 माइनस होगा, कितना होगा यहाँ पे, x बराबर होगा, इसको इधर लेके आऊँगे तो यहाँ पे होगा 18+36, यानी किसके बराबर होगा ये, 8 और 6 = 14, 3 और 1 = 4 और 5, यानी x की वैल्यू हमने निकाल दी कितना है, 54 है।
ठीक है। और x की वैल्यू हमने क्या मानी है, माता की आई मानी है, इसका मतलब मदर की एज कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। देखो राम की जो एज है उसके सन की एज का कितना है, 3 गुना है, तो 3 गुना कर दो। आगे दिया है उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी राम की आयु अपने फादर की एज का कितना है, 2/5 है, तो 2/5 कर दो। ठीक है, 2/5 हमने कर दिया। आगे दिया है इन सभी का औसत 46 वर्ष है। इन सभी का औसत मतलब क्या है, राम हो गया, उसका फादर हो गया और उसका बेटा हो गया। ठीक है, इनका औसत हमें दिया है कितना है, 46 है। अब देखो औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग अपॉन कुल संख्या। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर एक राम है, एक राम का फादर है और उसका बेटा है, यानी टोटल नंबर 3 है। ठीक है, टोटल योग किसका होगा, यानी इनकी आयु का हमने टोटल योग निकाल दिया, तो ये एवरेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, राम, उसके फादर और उसके सन की टोटल आयु निकाल सकते हैं, कितना होगा, 46 गुना 3। अब देखो हमें क्या करना होगा, इनकी वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राम की एज यहाँ पे भी है और राम की एज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राम की एज को कुछ मानेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लेके आऊँगा, तो उसके बेटे की एज निकल आएगी, कितनी होगी, r/3, और इसको नीचे लेके आऊँगा और इसका गुणा यहाँ पे करूँगा, तो उसके फादर की एज निकल आएगी, कितनी होगी, 5/2। अब देखो मैं राम की एज को कुछ मान सकता हूँ, अब देखो राम की एज मैं ऐसे मानूंगा जिससे कि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, तो यहाँ पे 3/2 है और 2/2 भी है, तो मैं क्या मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम मानूंगा, यानी 6 मान सकता हूँ। ठीक है, तो राम की एज हमने 6 साल मान ली, तो उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, इससे ये वाला कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे होगा 2, उसके बेटे की हो जाएगी 2 साल। ठीक है, और उसके फादर की कितने साल हो जाएगी, यहाँ पे 6 साल मानता हूँ, तो इससे ये वाला कैंसिल, यानी यहाँ पे 3 होगा, तो 3 × 5 कितना होगा, 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो इन तीनों का अनुपात हमने निकाल दिया। अब देखो एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो तीनों की आयु हमने निकाल दी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ, तो राम की है 6x प्लस फादर की है 15x और उसके बेटे की है 2x बराबर कितना होगा, 46 × 3। ठीक है, तो इनको जोड़ दो कितना होगा, 15, 16, 17 और 6 23। 23 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 46 × 3, तो इससे ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 2। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी है, 6 है। हमें क्या चाहिए, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का अंतर कितना है। देखो राम का सन ये वाला है और राम का फादर ये वाला है, इनकी आयु का अंतर, यानी इसमें से इसको माइनस करो, कितना होगा, 13x। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना होगा, यानी 13 × 6 हो जाएगा, और 13 का कितना होता है, 78, यानी 78 के बराबर होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। देखो ए की जो एज है वो बी की आयु से कितनी है, इससे 16 वर्ष ज़्यादा है, तो प्लस 16 कर देंगे। ठीक है, तो ए की एज निकाल दी हमने। आगे क्या दिया है, परंतु बी की आधी आयु, बी की जो आधी आयु है वो ए की आयु की कितनी है, 1/3 के बराबर है, तो 1/3 कर दो, यानी ये आपस में बराबर हैं। हमें क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमें निकालना है। देखो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे होगा 3b बराबर होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ पे होगा 2a, तो b और a का अनुपात हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, b का इस पे जाएगा और a का इस पे आएगा। ठीक, तो b का होगा 2 और a का होगा 3, यानी 2/3 हो गया। ठीक, एग्जैक्टली हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, तो कितना हो जाएगा, ये 2x होगा और ये 3x होगा, यानी x से हमने गुणा कर दिया। अब देखो a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 16, तो इसको इधर लेके आओ, तो एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी होगी, 16 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखो कितनी है, एक की है 2x और एक की है 3x, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा, 2 × 16 और एक की होगी 3 × 16, यानी एक की होगी 16 × 2 = 32 और एक की होगी 16 × 3 = 48। ठीक है, यानी बी की होगी 32 साल और ए की होगी 48 साल। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जेएस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है कि जो जेएस है वो अनिल से उतना ही छोटा है, तो मान लीजिए अनिल से वो एक्स ईयर छोटा है। ठीक है, यानी जेएस की आयु कितनी होगी, अनिल से एक्स ईयर कम होगी। ठीक है, और आगे क्या दिया है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी किसकी बात कर रहा है, वो जेएस की बात कर रहा है, प्रशांत से बड़ा है। देखो अनिल से वो एक्स ईयर छोटा है, तो प्रशांत से कितने साल बड़ा होगा, प्रशांत से एक्स साल बड़ा होगा, क्योंकि इसमें दिया है उतना ही छोटा है जितना वो बड़ा है, तो हमने एक्स साल छोटा माना है, तो बड़ा कितना होगा, एक्स साल ही बड़ा होगा, तो हमने ये निकाल दिया। आगे क्या दिया है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है,
देखो अनिल और प्रशांत की आई का योग हमें दिया है कितना है, 48 है। हमें क्या निकालना है, तो जे इसकी आई कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। अब देखो यहाँ से हम अनिल की एज निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ए की एज कितनी हो जाएगी, जे एस की आई प्लस एक्स हो जाएगी। और यहाँ से हम प्रशांत की एज निकाल सकते हैं, कितनी होगी, जे माइनस एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, अनिल की है जे प्लस एक्स और प्रशांत की है जे माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है 48 के बराबर। देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2j बराबर होगा 48। तो जे एस की एज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 4 यानी 24 साल होगी। हमें क्या निकालना है, जे एस की आई ही निकालनी है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। देखो ए की आयु कितनी है, 36 साल है, ठीक है, और जो बी की एज है वो कितनी है, वो 16 साल है। आगे क्या दिया है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, यानी ए की आयु क्या होनी चाहिए, बी की आयु से दोगुनी होनी चाहिए। तो कितने साल बाद होगी, मान लीजिए एक्स ईयर बाद होगी, तो एक्स ईयर बाद का मतलब क्या होगा, 36 में हम एक्स ऐड करेंगे और बी की एज अभी 16 साल है, तो एक्स साल बाद कितनी होगी, यानी 16 प्लस एक्स करेंगे। अभी देखो इसको तो मैं एक्स मान रहा हूँ, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 3 आती है, कि 3 साल बाद क्या होती है, ए की आई बी की आई से दोगुनी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 36 में 3 ऐड करना होगा, यानी इसकी एज 39 साल होगी, और इसकी एज कितनी होगी उस टाइम, इसकी एज होगी 16 प्लस 3 यानी इसकी एज होगी 19 साल। तो देखो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता हमें, तो एक्स माना है हमने, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ए की एज भी हमने निकाल दी और बी की एज भी निकाल दी, तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। देखो ए की वैल्यू रख दो कितनी होगी, 36 प्लस एक्स, और बी की वैल्यू रख दो कितनी होगी, 16 प्लस एक्स, और यहाँ पर गुणा 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 32 प्लस 2x हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा ये, यानी 36 में से 32 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 4, और ये जो x है इसको इधर लेके आएंगे तो 2 में से 1 माइनस करा कितना होगा, 1। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने कितनी है, 4 है। इसका मतलब क्या होगा कि 4 साल बाद जो a की आई है वो b की आई की क्या होगी, दोगुनी होगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ऑप्शन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो इसमें क्या दिया है, कितने साल बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, तो देखो अगर 1 साल बाद होती है तो यहाँ पे 1 ऐड करना होगा, तो ये 17 साल होगा, और यहाँ पे भी 1 ऐड करना होगा, ये कितना होगा, 37 साल होगा। देखो ये तो इसका दोगुना नहीं होता है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं 2 साल लेता हूँ तो 16 और 2 कितना होगा, 18, इसमें भी 2 ऐड करना होगा, 36 और 2 कितना होगा, 38। देखो ये दोगुना नहीं होता है, यानी ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो 3 लेता हूँ तो 16 और 3 कितना होगा, 19, और 36 और 3 कितना होगा, 39। अब देखो ये इसके दोगुना नहीं होता है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो अगर मैं 4 लेता हूँ तो 16 और 4 कितना होगा, 20, और 36 और 4 कितना होगा, 40। देखो 20 का दोगुना होता है 40। इसका मतलब क्या होगा कि डी वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। स्त्री के लिए मैं डब्ल्यू का यूज़ करूँगा, ठीक है, और उसके पुत्र के लिए एस का यूज़ करूँगा, यानी जो वुमेन है उसका सन है इससे कितनी है, 3 गुनी है। तो स्त्री की आयु हमने निकाल दी। आगे दिया है 5 वर्ष पूर्व। अब देखो ये तो वर्तमान की बात हो रही होगी, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब कब की बात हो रही होगी, 2014 की बात हो रही होगी। 5 वर्ष पूर्व उसका जो पुत्र है, उसका जो बेटा है, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु यानी उसका जो फादर है उसकी आयु का कितना है, 1/6 है, तो इसके बराबर इसको कर दिया हमने। आगे क्या दिया है, यदि उसका पिता, उसका जो फादर है वो उसकी माता से, देखो माता के लिए यानी मैंने स्त्री का डब्ल्यू का यूज़ करा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, डब्ल्यू होगा, तो उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो इसके बराबर कर दो। तो हमें क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले मैं इसका गुणा यहाँ करूँगा, तो यहाँ पर होगा 6s बराबर होगा एफ के, ठीक है, तो इनका मैं अनुपात निकाल सकता हूँ, यानी सन और फादर का अनुपात निकाल सकता हूँ। फादर का इस पे जाएगा, यानी फादर का होगा 6 और उसके बेटे का कितना होगा, 1 होगा, तो 1:6 हो गया। देखो ये कब का है, 5 वर्ष पूर्व यानी 2014 का है, ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, तो देखो इसको मैं एक्स से गुणा कर सकता हूँ, तो उसके बेटे की होगी एक्स और उसके फादर की होगी 6x, ठीक है, ये कब का है, ये 2014 का है। अब देखो अगर मुझे 2019 की एज निकालनी है तो क्या करना होगा, मैं इसमें कितना ऐड करूँगा, इसमें 5 ऐड करूँगा, यानी उसके बेटे की 2019 की आई हमने निकाल दी, ठीक, तो उसके फादर की भी 2019 की निकाल दो, कितना होगा, 6x+5 हो जाएगा। ये 2014 का था, ये 2019 का हमने निकाल दिया, ठीक है, ये सन का है और ये उसके फादर का है। अब देखो ये भी 2019 की एज है और ये भी 2019 की एज है, तो मैं एस की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, तो उसके मदर की एज निकल आएगी, कितनी होगी, एस की एज है x+5,
तो यहाँ पर रख दो गुणा तीन। अब देखो उसके मदर की एज हमने निकाल दी और उसके फादर की एज हमें पता है कितनी है, 6x+5 है। ये भी 2019 का है, ये भी 2019 का है, यानी वर्तमान के हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ, उसके फादर की कितनी है 6x+5 बराबर उसके मदर की कितनी है x+5 × 3, और प्लस में 5 भी है तो +5 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 3x+5 = 15, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है, बराबर होगा 6x+5। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना होगा 3x, बराबर 20 में से 5 माइनस कर दो, यहाँ पे होगा 15। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी कितना है, 5 है। हमें क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो वर्तमान का मतलब 2019 में एज कितनी है, x+5 है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 5 है, और यहाँ क्या करेंगे इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 साल। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, देखो जो गुलजार की वर्तमान आयु है इसमें से क्या घटाना है, 6 घटाना है, घटाकर शेषफल यानी जो भी हमें प्राप्त होता है शेषफल को 18 से भाग दें, यानी इसको क्या करना है 18 से भाग देना है, ठीक है। 18 से भाग दे दिया, भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो किसकी आयु निकल आती है, अनूप की एज निकल आती है, ठीक है। आगे दिया है महेश की आयु 5 वर्ष है, देखो महेश की एज कितनी है 5 साल है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, जो अनूप है वो महेश से कितना छोटा है, 2 वर्ष छोटा है, तो 2 वर्ष छोटा कर दो। तो हमें क्या निकालनी है, गुलजार की वर्तमान आयु निकालनी है, तो गुलजार की आयु निकालने के लिए मुझे अनूप की आयु चाहिए होगी, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो महेश की आयु कितनी है 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दो तो 5 - 2 यानी अनूप की आयु हमने निकाल दी, कितना है 3 साल हो जाएगा। अब देखो अनूप की एज यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे होगा जी -6 और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना होगा 18 × 3, तो 18 कितना होगा 54, 6 है इसको इधर लेके आओ तो +6 होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 60 साल, ठीक है। तो गुलजार की एज हमने निकाल दी कितनी है 60 साल। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम पहले कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें हमने इसको कर दिया है, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 36 और 9, यानी बी वाला इसका आंसर आ रहा है, ठीक। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। देखो जो एक व्यक्ति है यानी जो मैन है उसकी जो एज है वो अपनी मदर की एज का कितना है, मदर के लिए मैं एम ओ का यूज़ करूँगा, ठीक है। मदर की एज का 2/5 है तो मैंने 2/5 कर दिया। आगे क्या दिया है, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद का मतलब क्या है, देखो ये तो वर्तमान का होगा तो 8 वर्ष बाद मतलब कब की बात हो रही होगी, 2027 की बात हो रही होगी। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की यानी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की, उसकी मदर की जो एज है उसकी कितनी है, आधी है, तो 1/2 कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5m बराबर होगा 2 × MO। तो यहाँ से मैं उस व्यक्ति की और उसके मदर की आयु का अनुपात निकाल सकता हूँ, कितना होगा, देखो m का तो इस पे जाता है तो यहाँ पे 2 होगा और उसके मदर की इस पे आएगा यानी 5 होगा। तो यहाँ से हमने 1:5 निकाल दिया, कितना है 2:5, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, इसका गुणा यहाँ होगा तो m का इस पे जाएगा और उसके मदर का इस पे आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1:2 हो जाएगा। ये है 2019 का और ये है 2027 का। तो देखो 2:1 हमने निकाल दिया, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला जो अनुपात है उसको x से गुणा करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे वाला अनुपात है उनका डिफरेंस यानी 2 - 1 कितना होगा 1, गुणा जो साल हमें दिए हैं उनका डिफरेंस, कितने साल का है 8 साल का डिफरेंस है तो यहाँ पर 8 कर दो। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 और 5 × 5, इनका डिफरेंस कितने का है 1 का है। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने कितनी है 8 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40, यानी जो व्यक्ति है उसकी आयु है 16 साल और उसकी जो मदर है उसकी आयु है 40 साल। ये कब की है, 2019 यानी वर्तमान की बात की जा रही होगी। हमें क्या निकालनी है, उसकी माता की वर्तमान की आयु कितनी है, देखिए वर्तमान में कितनी है 40 साल, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। देखो जो स्नेह की आयु है वो उसके फादर की आयु का कितना है 1/6 भाग का मतलब 1/6 है, ठीक है 1/6 कर दो। आगे क्या दिया है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है, देखो ये तो वर्तमान का होगा तो 10 वर्ष बाद यानी 2029 की बात हो रही होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है,
जो स्नेह के फादर की एज है वो विमल की एज का कितना है? 2 गुना है, तो 2 गुना कर दो। ठीक है, आगे क्या दिया है? यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व हो। 2 वर्ष पहले मतलब क्या है? वर्तमान से 2 वर्ष पहले, यानी वर्तमान 2019 है, तो 2 वर्ष पहले यानी 2017 की बात हो रही होगी। विमल की एज 2017 में कितनी थी? 8वां जन्मदिन यानी 8 साल का था वो। तो हमें क्या निकालना है? तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें निकालना है। अब देखो, जो विमल है वो 2017 में 8 साल का है, तो 2029 में वो कितने साल का होगा? यानी इसमें हमें क्या ऐड करना होगा? 12 साल ऐड करना होगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया? विमल की 2029 की एज निकाल दी, यानी कितना है? 12 8 20 साल का। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? विमल की एज रख सकता हूँ, तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी? यानी 20 गुणा 2 कितनी होगी? 40 साल। ये कब का है? ये 2029 का है। हमें क्या निकालना है? देखो, हमें क्या निकालना है? वर्तमान का निकालना है, यानी 2019 का निकालना है। अब देखो, फादर 2029 में 40 साल के हैं, तो 2019 में कितने साल के होंगे वो? यानी 40 में से 10 माइनस करेंगे यानी 30 साल के होंगे, तो यहाँ पे 30 रख दो। कितना हो जाएगा? इससे ये वाला कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे होगा 5। इसका मतलब उसके जो डॉटर की एज होगी वो वर्तमान में कितनी होगी? 5 साल होगी। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। देखो कितनी होगी? 5:3 में होगी, बट कब होगी? 10 वर्ष बाद, यानी कब की बात हो रही होगी? 2029 की बात हो रही होगी। ठीक है, तो वर्तमान का मतलब 2019, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व यानी 2009 की बात हो रही होगी। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी है? 3:1 है, तो यहाँ पर हम 3:1 रख देंगे। हमें क्या निकालना है? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो देखो, 2 अनुपात हमें मिल गए, तो क्या कर सकते हैं? जो ऊपर वाला अनुपात है इसको मैं x से गुणा करूँगा। ठीक है, तो कर दे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? इसका डिफरेंस कितने का है? 2 का है, गुणा ये जो साल का अंतर है कितने का है? 2009 से 2029 यानी 20 साल का अंतर है, बटे में कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 * 3 = 9 और 5 * 5 = 5, तो इसका डिफरेंस कितने का है? 4 का है, तो यहाँ पर 4 कर दो, इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पर होगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 10 साल। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो ये कितना होगा? 1 होगा 30 साल का और 1 होगा 10 साल का, बट ये कब का निकाला हमने? 2009 का निकाला। तो हमें कब का चाहिए? वर्तमान का चाहिए, यानी 2019 का चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इसमें 10 साल इसमें ऐड करेंगे और 10 साल इसमें ऐड करेंगे, तो 1 होगा 40 साल का और 1 होगा 20 साल का। हमें क्या करना है? इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल दो, कितना होगा? 20 * 40 यानी 2:1। हमें किसका निकालना है? पुत्र यानी बेटा का कितना है? 1 है, और पिता यानी फादर का कितना है? 2 है। इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल दो, कितना होगा? 1:2 यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। देखो, जो मीना की एज है अपनी डॉटर की एज का कितना है? इसका 8 गुनी है, तो देखो 8 गुना कर दो। ठीक है, इस समय का मतलब वर्तमान की बात हो रही होगी। आगे दिया है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद का मतलब कब की बात हो रही होगी? 2027 की बात हो रही होगी। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात कितना है? 10:3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से अनुपात निकाल दो, तो मीना और उसकी डॉटर की आयु का अनुपात निकाल दो। देखो, इसका इस पे जाएगा, यानी मीना का होगा 8 और उसकी डॉटर का होगा 1। 8:1 हमने 1 निकाल दिया जो वर्तमान का है, और 1 हमें दिया है 10:3 जो कब का है? 8 वर्ष बाद का है, तो 2 अनुपात हमें मिल गए, तो इसको मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ। ठीक, तो कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस? यानी 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7 गुणा। इनका डिफरेंस कितने का है? 8 साल का है, तो यहाँ पे 8 होगा * इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 * 3 = 24 और माइनस में कितना होगा? 10 * 1 = 10, यानी इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 14 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 4, यानी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी है? 4 साल, तो यहाँ पर 4 रख दो, तो कितना होगा? 8 * 2 = 32 और 4 * 1 = 4। देखो, वर्तमान में हमने उनकी एज निकाल दी, ये मीना की है, ये उसकी डॉटर की है। हमें क्या निकालना है? मीना की वर्तमान में आयु कितनी है? तो देखो कितनी है? 32 साल है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा? ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। आगे दिया है इनकी आयु का योग, यानी राकेश प्लस योगेश की आयु का योग हमें दिया है, कितना है? 28 है, तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। देखो, ये वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है, ये राकेश का है, ये योगेश का है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता, तो x से गुणा करते हैं। ठीक, तो राकेश की हो जाएगी 4x और योगेश की हो जाएगी 3x, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना होगा ये? 4x + 3x = 28,
इसको जोड़ दो, यानी 7x बराबर होगा 28। तो x की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा, 7 चौको 28, यानी x की वैल्यू आ रही है 4। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा, 4 चौको 16 और 3 चौको 12, यानी राकेश की होगी 16 साल और योगेश की होगी 12 साल। देखो ये तो वर्तमान का है, हमें कब का निकालना है, 16 वर्ष बाद का निकालना है, यानी इसमें 16 ऐड करना होगा और इसमें भी 16 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक होगा 32 और एक होगा 28। इनका हमें अनुपात निकालना है, ठीक है, अनुपात निकाल दो। अब देखो इसको मैं 4 से काट सकता हूँ, ठीक है, तो 8 चौको 32 और 7 चौको 28, यानी 8:7 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। देखो जो फादर की एज है वो उसके सन की एज का कितना है, 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना कर दो। आगे दिया है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, जो उसका बेटा है उसकी आयु वर्तमान में कितनी है, 20 साल है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, ये हमें निकालना है। देखो उसके बेटे की वर्तमान आयु हमें पता है 20 साल है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके फादर की निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, 20 गुना 2 कितना होगा, ये 40 साल होगा। उसका मतलब जो फादर है उसकी एज वर्तमान में 40 साल है और जो बेटा है उसकी जो वर्तमान में एज है वो 20 साल है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी, यानी जो फादर की एज थी वो सन की एज की कितनी थी, 3 गुना थी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए एक्स वर्ष पहले फादर की एज सन की एज की 3 गुना थी, तो क्या करेंगे, जो फादर की एज है इसमें से भी हम एक्स साल कम करेंगे, क्योंकि कितने साल पहले की बात हो रही है तो पहले के लिए माइनस करते हैं, तो इसमें से भी क्या करना होगा, एक्स साल माइनस करना होगा। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, फादर की कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स गुणा 3, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 दुनी 6, यानी 60 माइनस 3x। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 3 में से 1 माइनस करूँगा, यहाँ पर होगा 2x बराबर 60, और इसको इधर लेके आएंगे तो -40 हो जाएगा, यानी 60 माइनस 40 कितना होगा, 20। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितने हैं, 10 साल। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मिसाइल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। 9 वर्ष पहले का मतलब क्या है, वर्तमान से 9 वर्ष पहले, यानी 2010 की बात हो रही होगी, तो मान लीजिए उस समय उसकी एज x साल थी। आगे क्या दिया है, आज उसकी आयु उस समय की आयु का, देखो उस समय उसकी एज हमने क्या मानी है, x मानी है, इसका कितना है, 1 से 1/3 गुना है, तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 3 एकम 3 और 1 4, यानी इसका कितना है, इसका 4/3 है। आगे क्या दिया है, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी उसकी जो डॉटर की एज है उसकी आयु का, यानी मिसाइल की आयु का कितना है, 1/6 है, तो 1/6 कर दो। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये हमें निकालना है। अब देखो हमने क्या माना है, 9 वर्ष पहले जो मिसाइल की एज है वो कितनी है, एक्स है, यानी 2010 में उसकी एज एक्स साल है। ठीक, तो 2019 में कितनी होगी, यानी इसमें कितना ऐड करना होगा, 9 साल ऐड करना होगा। तो देखो मिसाइल की 2019 की एज हमने निकाल दी, और ये भी मिसाइल की 2019 की एज है, यानी इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, x प्लस 9 बराबर होगा x गुणा 4/3, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 9 27 बराबर होगा 4x, इसको इधर लेके आओ तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी है, 27 है। अब देखो x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 × 4/3, तो इससे ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पर 9, तो 9 चौको कितना होगा, 36। इसका मतलब क्या होगा, मिसाइल की 2019 यानी मिसाइल की वर्तमान में आयु कितनी होगी, 36 साल होगी। ठीक है, और हमें दिया है उसकी जो डॉटर की एज है उसकी एज का 1/6 है, यानी 36 का कितना है, 1/6 है, तो कितना हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, यानी उसके डॉटर की एज निकाल दी हमने, कितनी है, 6 साल है, बट कब की है, वर्तमान की है, यानी 2019 की है। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी, इसमें 2 वर्ष माइनस कर दो, तो कितने साल की होगी, वो 4 साल की होगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ऑन एजेस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।